मैं यूज़ करता हूँ अल्फारेस ब्रांड का प्योर सनफ्लावर ऑयल एंड ऑल अल्फारेस मसाला, टर्मरिक, रेड चिल्ली एंड मिक्स बहरानी कोरिएंडर, एवरीथिंग अल्फारेस मसाला। क्यों? दिस प्योर मसाला अल्फारेस, आई लाइक इट अल्फारेस मसाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लुक एट दिस ऑयल, इट्स 100% प्योर सनफ्लावर ऑयल। प्याज को थोड़ा फ्राई किया, उसके बाद में अभी डालेगा गार्लिक, अभी गार्लिक डाला और ये जिंजर। गार्लिक और जिंजर को थोड़ा फ्राई कर लेना चाहिए, उसके साथ साथ मैं टेस्ट के लिए थोड़ा गरम मसाला यूज़ करता हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं जास्ती, थोड़ा गरम मसाला, उसके साथ थोड़ा ग्रीन पेपर, ग्रीन चिली ये भी डाल देना चाहिए थोड़ा टाइम के लिए बंद करने का, एक मिनट में भी बंद किया। अभी मसाला प्याज पूरा हो गया, अभी मटन डालने का टाइम हो गया। मैं मटन डाल के थोड़ा नाटता हूँ, बट क्लोज कर देगा कुछ टाइम के लिए, दम कर देगा, नहीं मतलब और उसको सत लगा रहा है। अभी देखो कैसा फ्लेवर बाहर आ रहा है और मटन कैसा बन के रेडी हो जा रहा है। और मटन को अच्छा तरफ इधर पकाने का है, उसके जो पानी है वो बाहर आने का है। पानी बाहर आने के बाद मैं लास्ट में मसाला यूज़ करता हूँ। अभी मैं मसाला यूज़ करेगा, हमारा गोश्त एकदम पक गया। अभी ये डालेगा कोरिएंडर पाउडर थोड़ा एंड दिस टर्मरिक पाउडर, और आदमी का टेस्ट से। और रेड चिल्ली मैं कमती यूज़ करता, क्यों मैं ग्रीन चिल्ली यूज़ करता हूँ ज़्यादा इसीलिए। और ये मिक्स मसाला कोई भी वेजिटेबल में ये परफेक्ट होता है, तो मेरा साथ ये मटन का साथ पालोगे इसलिए मैं मिक्स मसाला यूज़ किया और बारबेक्यू मसाला थोड़ा फ्लेवर के लिए डाला। अभी कुछ टाइम फायर को स्लो करने का है और दम करने का है। जब देखेगा ऑयल ऊपर आ गया मसाला से, तो सोचो भुजा कंप्लीट। अभी और मैं टमाटो यूज करता है, अभी टमाटो डालेगा थोड़ा, टमाटो को डाल के ज्यादा नहीं नाड़ने का, कुछ टाइम के लिए दम कर दो। अभी देखो टमाटो कैसा पक गया, माशाल्लाह थोड़ा सख्त रहेगा। अभी पालक डालने का, और पालक को आहिस्ते आहिस्ते डालने का है, क्यों पालक जास्ती है, पतीला छोटा है तो बाहर भी जा सकता है, इसलिए स्लोली। और डालने के बाद आराम से उसको लड़ने का, नहीं पतीला से बाहर आएगा पूरा किचन खरबता बनेगा, आराम से प्यार से। और इसको पूरा मसाला का मिक्स कर देगा तो पत्ता नीचे चला जाएगा, और कुछ टाइम के लिए उसको दम कर देने का है तो पत्ता एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, प्यार से नड़ा। अभी बंद करेगा थोड़ा टाइम के लिए, 2-3 मिनट के लिए, और फायर कम। साथ में चावल भी बैठा दिया, क्यों एक साथ हो जाना चाहिए चावल, और मैं भी चावल भी हो गया थोड़ा बंद किया, माशाल्लाह हो गया। मैं थोड़ा पानी गरम किया इसमें डालने के लिए, पालक किधर गया, ये हो गया आपका पालक, ग्रीन ग्रीन जो नजर आता है वो आपका पालक कम हो गया। फाइनली कंप्लीट, वाओ ये हो गया। अभी रेडी मंता थोड़ा धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, यस फाइनली
खाना रेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।